ब्लू कलर का बोर्ड है, इट सेज हवेली बरूद खाना एंड यस फाइनली आई हैव अराइव्ड टू माय डेस्टिनेशन. एज यू कैन सी द बोर्ड सेज इट ऑल. एब्सोल्युटली एक्साइटेड. अस्सलाम वालेकुम. यही है ना हवेली बरूद खाना. ओके मैं अपनी बाइक कहाँ पार्क करूँ? यहाँ. ओके Let us go back in time and explore Haveli Barood Khana, which is full of rich history and culture. ये हवेली 19वीं सदी में सिख फौज के कमांडिंग ऑफिसर ने तामीर करवाई थी. It served as an arsenal depot and residence of the Sikh army. The real beauty and romance of this 200-year-old Haveli lies in these wooden windows and doors, जो कि मुगल और सिख दौर की याद को ताजा करते हैं. First of all, thank you so much for taking out time for this interview. And as I entered in this Haveli, time reversed. You know, aisa laga tha that I went back into time. It was as if I've entered into this portal of time machine and going back to the early 18th and 19th century. Maine is Haveli ke baare mein online to bahut padha hai, lekin main aapke, you know, zuban se sunna chahti hu how much you're fond of it and what is its history. देखिए फॉन्ड तो ऑब्वियसली आई मीन आई वॉज बॉर्न इन दिस हाउस. माई फाइव जनरेशन ऑफ माई फैमिली बॉर्न इन दिस हाउस. एक दिस एक अटैचमेंट है एक फैमिली हो. ऑफ कोर्स दैट्स ऑल देयर. दैट्स व्हाई आई एम लिविंग हियर टू प्रिजर्व दिस प्लेस. नहीं तो लाइक अदर ओल्ड बिल्डिंग्स इन द ओल्ड सिटी ड्यू टू निगलेक्ट तो यू नो कई मकान गिर गए, ख़त्म हो गए. So, मैं चाहती हूँ कि आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस दैट अ लिटिल बिट डिफरेंट. सो व्हेन यू आपकी जो चाइल्डहुड थी स्पेसिफिकली इस हवेली में, व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट मेमोरी आपकी चाइल्डहुड की? इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ग्रोइंग अप इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, यू नो. या सो देयर वाज ऑल आवर एल्डर्स, वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम आवर एल्डर्स. कोई हमें रोकता ही नहीं था, जितनी मर्जी हम शरारत करें. और ऑफ कोर्स देन प्लेइंग अराउंड एज किड्स, मेरे और जो दोस्त थे यहाँ हमारे मेरे मोहल्ले के लड़के, उनके साथ खेलना, किले की सीढ़ियों के ऊपर जाके गुल्ला गुल्ली डंडा खेलना. yeah, oh my God. फिर हम वो पिल गोली खेलते थे और साथ क्या कहते हैं, फिर एक वो हमारी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव गेम थी कि वो चीचो चीच गंडेरियाँ उसे कहते थे. वो होता ये था कि आपको एक कोयले मिल जाते थे, एक दो टीमें होती थी. अच्छा. एक टीम में निशान लगाने होते थे. अच्छा. और दूसरी टीम ने काटने होते थे. और अगर वो कोई बच जाए. अच्छा. ठीक है. हाँ. कि वो नहीं काटे उन्होंने तो फिर उनको सजा मिलती थी. वो कितने चार दफा उनको थप्पड़ पड़ते थे या कुछ होता था. Yeah. तो उसका ये होता था, यू वुड से चीचो चीच गंडेरियाँ, दो मेहरियाँ. I wanted to ask you another thing is that you know, in terms of tourism in Pakistan, because our country is, it's blessed with natural beauty. I myself as a motorcyclist, I roam many beautiful areas and I get the 360-degree vision, you know, of Pakistan. What do you think is the future of Pakistan in terms of tourism and how can such, you know, bada hi bright future hai Pakistan. Agar yahan isko koi tactfully isko deal kare, abhi to sirf, you know, माउंटेन्स का टूरिज्म खुला है. exactly, yeah. और पाकिस्तानियों ने ही हद कर दी. बाहर से जो लोग आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है. तो समथिंग लाइक 3 billion or 4 billion रुपीस वाज स्पेंट इन द नॉर्दर्न एरिया बाय पाकिस्तानी. आई जस्ट वांट टू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑनेस्टली बिकॉज़ इट्स एन ऑनर फॉर मी टू सिट बिसाइड यू एंड इलामा इकबाल के, यू नो, ग्रैंडसन आप हैं. एंड उसके अलावा आपका जो एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी ऑफ लाहौर एंड पाकिस्तान. यहाँ की हर एक चीज़ को जिस खूबसूरती से महफूज किया गया है, इससे यूसुफ सलाहुद्दीन साहिब के बाज़ोक होने का सबूत मिलता है.
देखते हुए मुझे किसी शायर का एक खूबसूरत शेर याद आ गया। इतनी सदियां हैं मेरे जहन में महफूज, अहदे रफ्ता से मेरी उम्र बड़ी हो जैसे। Look at these colorful bird houses. Wow, amazing! ये हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत है उतनी ही अंदर से नादरो नयाब है। From this historical painting of Maharani Ranjit Singh, painted by George Richmond, to this iconic painting of the last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar, हवेली में सबसे नयाब और तारीखी चीज ये कालीन है, जिस पर खड़े होकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुनक्कद होने वाले जलसे से खिताब किया था। सो गाइस, दिस वाज हवेली बारूद खाना। हमने देखा इस हवेली में एंटर होते ही कितनी हिस्ट्री लर्न करने को हमें मिली। स्पेसिफिकली आप जो फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने रखी, दे वर द वंस जो इस हवेली के अंदर सोचते थे बैठकर कि हमने कैसे माइंड मैप बनाना है, कैसे एक मास्टर प्लान बनाना है ऑफ ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो हमें आज देखने को मिलती है। ऑनेस्टली एज अ पाकिस्तानी आई फील सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आई टुडे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट यूसुफ सलाहुद्दीन साहेब एंड एंटर दिस हवेली। यूसुफ सलाहुद्दीन साहेब इज़ आई पर्सनली कॉल हिम द यू नो प्रिजर्वर ऑफ कल्चर ऑफ लाहौर, स्पेसिफिकली पाकिस्तान। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यूथ को बताएं कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की अहमियत क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। So you know, I mean, it is so important for us to value our country, to know कि हमारी जो ये मुल्क जिस आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं वो कितना important है। But like I told you, all journeys have to come to an end, and आज की हमारी ये journey भी ख़त्म होने को आ रही है। But don't worry, because पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, monuments हैं और landscape है जो मैं explore करूँगी अपने इस show Discovery Right में। For now, I have to go and मुझे research करनी है कि मैं अगले location कौन सी जाऊँगी। But आप लोग भी मुझे ये suggestion दे सकते हैं। Please follow me on Instagram @discoveryrightht and Facebook discoveryright। मैं आपके messages पढ़ूँगी और आप मुझे बताएं कि what are the next, which area should I go next? मुझे कहाँ जाना चाहिए, कोई undiscovered place में कहानी हो, let me know। Till then, take care, Allah Hafiz।